G20 समिट में इटली की पीएम और पीएम मोदी की मीटिंग के बाद इसके बारे में चर्चा होने लगी है। सोशल मीडिया पर इस मीटिंग को बहुत सराहा गया। आइए जानते हैं इटली के पीएम के बारे में कुछ खास बातें और ऐसे मोमेंट्स इससे पहले कब देखने को मिले हैं। इटालियन पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने इससे पहले भी कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। 2022 में रायसीना डायलॉग दिल्ली में होस्ट किया गया था। इसके चीफ गेस्ट इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी थी। दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की। इसके बाद जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेलोनी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे चहेते नेता हैं। ये साबित हो चुका है कि वो कितने बड़े लीडर हैं। इसके लिए उन्हें बधाई। ये बातें सुनकर दूसरे डाइस पर खड़े पीएम मोदी हंसते नजर आए। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। मेलोनी को इटली के फासीवादी तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी का समर्थक माना जाता है और इस्लामोफोबिक नेता भी माना जाता है। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद ये पहला मौका है जब इटली में किसी दक्षिणपंथी पार्टी की सरकार बनी है। इटली की राजधानी रोम से आने वाली 45 साल की मेलोनी ने गॉड, कंट्री और फैमिली के नारे के साथ प्रचार किया था। वो एक ऐसी पार्टी को हेड करती हैं जिसने LGBTQ और गर्भपात अधिकारों को कम करने का प्रस्ताव दिया है।